हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नूले एंटरप्राइजेस। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा बहुत सारे कुछ वीडियोस देखा होगा हमने, मैं आपको डीसी चेसर के बारे में बताया था बहुत सारे। तो आज हम मैं आपको एसी चेसर के बारे में बताने वाले। ये एकदम छोटा सा एसी चेसर है, प्यारा सा। इसके ऊपर हम आपको एसी चेसर कैसे चलाना है, ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या आप ऑनलाइन भी देखा होगा वहाँ पर वायरिंग वगैरह किधर से पॉजिटिव किधर से नेगेटिव, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा। तो आप परचेस कर रहे तो वहाँ पे वायरिंग का बारे डिटेल्स वगैरह नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसमें वायरिंग वायर्स कहाँ कहाँ पे कौन सा वायर कनेक्ट करना है। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और ये जो लाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे पे सीरीज LEDs है, यहाँ पे चैम्पियंस है, ये सीरीज है। और ये तो बल्ब लिया मैं आपको, तो इसके लिए ये लिया है इतना मटेरियल। तो बल्ब भी आप इसके ऊपर सीरीज में ऑन ऑफ कर सकते हो, इफेक्ट्स दे सकते हो। तो इसमें लेफ्ट और राइट का इफेक्ट्स है, इफेक्ट चलने वाला है, ठीक है। तो देखते कि कैसे चलता है, क्या चलता है। और यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है, तो ऑनलाइन परचेस करो ऑफलाइन परचेस करो ऐसे मिलने वाले आपको। तो यहाँ पे कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट करना है इसके ऊपर वो भी बताएंगे आपको। स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो है, एक यहाँ पे मेरे उंगली जो थंब दिख रहा है, थंब की उंगली पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव को सिंबल दिया, तो यहाँ पे हम नेगेटिव देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेक्टिफायर है, तो आपको एक ही डायरेक्शन में पावर जाने वाले हैं, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट यहाँ से मिलने वाले आपको एंडिंग से। तो सिंपली आप इसको परचेस करना है लोकल मार्केट से लो या आप ऑनलाइन ले लीजिए। तो प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, किसी का 80 रुपये हो सकता है, किसी का 80, 40, 50। लोग बोलते हैं 20-30 रुपये में मिलता है, नहीं मिलता है इतना सस्ता, ठीक है। तो आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो देखिए ये वाला कंट्रोलर आप जहाँ पे जितने प्राइस में मिलता है देखिए, अभी हमारा प्राइस में हम आपको बता देंगे बाद में कितने में मिल रहा है। तो इसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ से होके यहाँ पे ट्रैक देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से होके ये पॉजिटिव यहाँ पे जा रहा है, देखिए एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे डायोड लगाया, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेरा फ्लो होने वाला है और यहाँ से जाके यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे पॉजिटिव गया, तो नेगेटिव क्या है ना, कट होके होना है, न्यूट्रल कट जैसा हमारा डीसी में। यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है तो क्या होना है, यहाँ पे रेक्टिफायर में जाके कुछ प्रोसेस हो के यहाँ पे इफेक्ट्स डालेंगे हम, जितना जो यहाँ पे सिंपल सा है। अगर आपको अच्छा वाला कंट्रोलर चाहिए, जैसा मेरा बहुत सारे जितना डीसी में है इफेक्ट्स, वैसा भी एसी में भी डाल सकते हो। इसके लिए आईसी डालना पड़े, रेक्टिफायर आईसी। तो यहाँ पे रेक्टिफायर हुआ, यहाँ पे रेक्टिफायर के बाद यहाँ पे जो आईसी लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट के लिए आप माइक्रो कंट्रोलर लगा के इफेक्ट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्लक्चुएशन होके न्यूट्रल पॉजिटिव तो जा रहा है सबको कॉमन, तो न्यूट्रल यहाँ पे कटिंग होके जहाँ पे एक्शंस आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो शोल्डरिंग का स्पॉट दिख रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 चैनल का 6 नेगेटिव्स है। यहाँ पे अलग अलग आप 6 लगा दो 12 लगा दो जितना लगा रहे आप एक चैनल के ऊपर दो भी कनेक्ट कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने यहाँ पे 3 बल्ब का मटेरियल लिया है, 3 सीरीज का लिया है, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे वायरिंग मत बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं इनपुट देने वाले, यहाँ से आउटपुट लेने वाले, यहाँ पे कॉमन सबको पॉजिटिव कॉमन होने वाले, नेगेटिव यहाँ पे कट होने वाले सबका अलग अलग। तो यहाँ पे मैं वायरिंग करके लाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और ये जो है वो तो पूरा ऑलरेडी रेक्टिफायर है, यहाँ पे इधर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी रेक्टिफायर है आपका, तो ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव को पॉजिटिव, LED नेगेटिव को नेगेटिव। अगर आप DC डायरेक्ट DC यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आपको पोलैरिटी देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सबके जो चेसर्स हो जो भी है ना, इसमें रेक्टिफायर लगाया। तो यहाँ पे अभी मैं जो पिन कट नहीं करूँगा, यहाँ पे वायर लगा के लेता हूँ दो, यहाँ पे भी दो वायर शोल्डरिंग मार के लेता हूँ, नहीं तो जॉइंट मार के देखता हूँ। यहाँ पे भी दो वायर लगा के लाता हूँ, यहाँ पे वायर लगा लेता हूँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे हम इसको। और यहाँ पे सबका नेगेटिव सबका पॉजिटिव कॉमन करेंगे और पूरा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और नेगेटिव सबका एक एक वायर लेके 6 चैनल के 6 नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं इफेक्ट कैसा चलता है। सिंपल सा है, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होने वाला है। अभी वायरिंग करके पूरा आपको एक बार इफेक्ट चला के दिखाते हैं, तब तक वेट कीजिए, तो वायरिंग का प्रोसेस करता हूँ मैं तब तक। चलिए अभी आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पूरा वायरिंग कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी करंट लग रहा है। तो कभी भी आपको यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, तो हाथ लगाए तो करंट लग सकता है, न्यूट्रल या पॉजिटिव आपको पता नहीं न्यूट्रल कौन सा पॉजिटिव कौन सा, यहाँ पे अगर डायरेक्ट पिन लगा रहे तो AC है तो ध्यान रखिए, तो करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इसमें अंदर। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिया, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला था यहाँ पे एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव दे रहा हूँ, तो यहाँ से पॉजिटिव कॉमन देखिए जितने भी मेरे पास लड़ी 1, 2, 3 का यहाँ पे जाके कॉमन किया है यहाँ पे, ठीक है।
और ये जो बल्ब्स का जो पीसीबी थे इसका भी सबका कॉमन यहाँ पे कर दिया, और नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे देख पा रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेगेटिव सबका अलग अलग यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट किया हमने। तो यहाँ पे इतना कनेक्ट करके तो उसके बाद अभी देखते हैं कैसा चल रहा है। तो सावधान रखिए, करंट से बचिए, एसी पे काम कर रहे तो अभी मैं यहाँ पे पिन एसी ऑन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे आप, देखिए पहले मेरा एक नंबर का यहाँ पे है, तो यहाँ पे नंबरिंग रहेगा, देखिए 1, 2, 6 है मेरे फोन नंबर पे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। एसी के ऊपर आप बल्ब भी चला सकते हो चाहे तो, ठीक है 240 वाला 220 वोल्टेज वाला भाई एसी बल्ब भी चला सकते हो, सीरीज लाइट चला पाएंगे आप, दिया चला पाएंगे, चैंपियंस बोल के जो आते हैं वो भी आप इफेक्ट्स चला सकते हो, ये भी सकते। इसमें सिर्फ कांस्टेंट एक ही इफेक्ट्स है, ठीक है आपके पास अगर आप हाईवर वर्जन का भी आप कंट्रोलर ले सकते हो, उसमें ट्रिम पॉइंट रहता है, तो इसमें आप वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं, तो इफेक्ट्स भी चेंज कर पाएंगे। ये सिंपल सा कंट्रोलर है, इसका वायरिंग भी दिखाया हमने आपको, ऐसा आप इसमें इफेक्ट चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, सबका पॉजिटिव कॉमन करना है आपको और नेगेटिव चस्सर के थ्रू अलग अलग लेके जाना है। तो ऐसा आप भी अब अच्छा, ये अभी हमें डेमो के पर्पस में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट मत कीजिए, यहाँ पे पिन कट के आप वायर लगा के स्ली वगैरह चढ़ा के परमानेंट कीजिए, तो करंट वगैरह नहीं लगेगा। सिर्फ हम मुझे उसको वापस दोबारा यूज़ करना है, सेल करना है बोल के मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं किया है, इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, हैव ए गुड डे, बाय बाय।